आगे पीछे लिया है, वो ऊपर नीचे भी तो हो सकता था ना। हाँ ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता था, ले सकते थे। तो अगर हमने ऊपर नीचे लिया तो मतलब उन दोनों पॉइंट्स पे फिर डेल्टा भी सेम नहीं आएगा, बराबर है। यस लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट लिया तो ये दोनों पॉइंट गलत तो नहीं है ना, ये दोनों पॉइंट भी तो नहीं, ग्राफ पे लाया कर रही है ना। यस यस तो जिन दोनों पॉइंट से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं वो लूंगा ना, जिस दो पॉइंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं कुछ तो मैं क्या लेके करूंगा उनको। यस इन पॉइंट्स को लेने से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ऐसी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं जिस पे डेल्टा सेम आ रहे हैं, ठीक है। ओके सो ये डोंट वरी, इस बार मैंने करेक्ट लिखा है लेकिन कभी कभी मैं रॉन्ग भी लिख सकता हूँ, तो यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अलर्ट, ठीक है। सो फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कौन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई वन आई टू है, उनके लिए डेल्टा क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको मगअप करने को नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू सिंपली मगअप दिस एंड गो अहेड, नो। ये पॉइंट जो हमने लिखी है ना, ये पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए या ये जो मैंने पॉइंट लिखा है उसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ इसको, थोड़े सा ध्यान से देखो। इस पॉइंट को समझने के लिए ना यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट हैज वन प्रॉपर्टी विच इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लें तो हम लोग ये पॉइंट भी समझ सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, अगर कोई भी एक रे डायग्राम है, लेट्स से वी आर हैविंग एनी रे डायग्राम, उसमें जो लाइट है लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, ध्यान से सुनो, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब लाइट जब ट्रेवल कर रही है ना, तो लाइट के पाथ में, लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो उसके पाथ में अगर मैंने सडनली सपोज कुछ मिरर वगैरह रख दिया, मिरर, तो सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी ना। तो जब लाइट अगर सपोज बाय चांस 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट ऐसे वापस यू टर्न ले लिया, लाइट ने सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लाइट ने सब यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद लाइट, ऐसे कहा जाता है कि लाइट एग्जैक्टली वही पाथ वापस फॉलो करती है जिस पाथ से वो आई थी, लाइट उसी पाथ को वापस फॉलो कर लेती है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर ये एक लेंस है, इस पे लाइट ऐसे गिर रही है, देखो तो आपको मालूम है ये ऐसे जाएगी, बराबर, इज इट गोइंग टू मीट एट द फोकस ना। तो एक बात, अगर मैं यहां पर बाय चांस ऐसे मिरर रख दूं ऐसा, ये देखो, तो उसके ऊपर लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली गिरेगी तो वापस लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर से ऐसे, इज इट। तो क्या लगता है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वापस जाएगी, तो दिस रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये क्या प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लाइट जब रिवर्स हो जाएगी ना, तो रिवर्स होने के बाद वो वापस वही पाथ फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा पाथ फॉलो करेगी, इज इट। दिस वाज अ पाथ विथ, दिस वाज अ पाथ थ्रू विच लाइट कम्स ना, तो लाइट उसी पाथ से वापस जाएगी, लाइट उसी पाथ को वापस फॉलो करेगी बट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट ये मैं आपको स्टेटमेंट आपको बाद में दे दूंगा, आई विल गिव यू स्टेटमेंट, खाली अभी मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इन एनी रे डायग्राम इफ द पाथ ऑफ द लाइट इज सडनली रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट, इज रिवर्स्ड, देन द लाइट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, इट्स रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, समझा। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो अब हम लोग ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया ना, ग्राफ को समझ सकते हैं अभी। देखो कैसे ग्राफ को समझेंगे, लुक एट इट, ये सपोज प्रिज्म है, हाँ ये देखो ध्यान से, आपका कुछ डायग्राम ऐसा था राइट, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली ये डायग्राम था, ये आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी और ये वाली क्या होगी बोलो, एंगल ऑफ इमरजेंस। हाँ अब देखो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ कि 30 डिग्री रखा है, और एंगल ऑफ इमरजेंस जो मुझे मिल रहा है वो 40 डिग्री है, एक जस्ट एग्जाम्पल है ये देखो, समझा, एक एग्जाम्पल है। अभी बात ये देखो, ये रे डायग्राम है, यहाँ पर लाइट देखो एमर्ज हो रही है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे मिरर रख दू सपोज, तो इसे लाइट मिरर पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ना, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वापस ये सेम पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। हाँ एक बात, इन दैट केस जब ये रिवर्स पाथ फॉलो करेगी, इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 हो जाएगा, और फिर एंगल ऑफ एमरजेंस कितना हो जाएगा,
30 मतलब ये आई और ई जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. yes, देखो मैं yes. I will become 40 and E will become 30. ये देखो लिख दिया मैंने जो आपने बोला अभी. हाँ अब इससे क्या समझ में आता है ध्यान से देखो. ये देखो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ देखो. और ये एमर्जेंट रे था स्टार्टिंग में, दिस वॉज एमर्जेंट रे, इसको पीछे एक्सटेंड किया बराबर. Anybody, ये क्या होता है ये एंगल? एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन एंगल. देखो दिख रहा है ना. हाँ अब एक बात, जब लाइट रिवर्स हो गया, जब लाइट रिवर्स जा रही है ऐसे, रिवर्स देखो ऐसे जा रही है लाइट, जब ऐसे जा रही है, आपने मुझे बताया कि 40 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस विल बी 30 डिग्री. In that case, जब लाइट रिवर्स हो जाएगी उस केस में एक बार बताओ ये कौन सा रे माना जाएगा? Will it be incident ray? Incident ray. Yes, incident ray. देखो अभी मैं incident ray को आगे extend कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे. Okay. और रिवर्स केस में एक बात, रिवर्स केस में विल दिस बी एमरजेंट रे? एमरजेंट रे. यस. एमरजेंट रे को पीछे एक्सटेंड करो तो ये होगी क्या एंगल ऑफ डिविएशन? डेल्टा. यस यस. By vertically opposite angles, मैं ये दोनों equal होंगे ना कि नहीं होंगे? Equal, yes, equal. ये दोनों delta तो equal होने वाली है. इसका मतलब है, when angle of incidence is 30, तब हमको जो delta मिला, जब angle of incidence 40 बन गया, तब भी same delta मिला ना? Yes. तो yes. इसका मतलब है, यहाँ पे दो angle of incidence है, एक है 30, दूसरा angle of incidence है 40. दोनों केस में जो delta मिला, वो same मिला ना? Yes. तो ये पॉइंट प्रूव हो गई ना दैट फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा रिमेन्स व्हाट? सेम. सेम. ठीक है, यहाँ पे देखा ना दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनके डेल्टा सेम है. इसमें एक एग्जांपल हो कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है. इट्स अवर एग्जांपल. दोनों केस में जो डेल्टा आया वो क्या आया? सेम. समझ में आया? यस. रिवर्स स्टडी से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं यूजिंग रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी. वी कैन प्रूव इट कि डेल्टा formed in the first case and delta formed in the second case would be same. ठीक है, लेकिन एक बात, ये जो दो angle of incidence मैंने बताई जिसके लिए delta same था, वो कौन सी दो angle of incidence थी? एक थी 30 और दूसरा था 40. लेकिन एक बात, जब angle of incidence 30 था तब angle of emergence 40 था ना? Yes. और जब angle of incidence 40 हो गया तब emergence 30 हो गया. Yes. इसका मतलब ये है क्या कि ये जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वन आई टू जिन पे डेल्टा सेम है, इसमें अगर आई वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस उस टाइम पे आई टू विल बी द एंगल ऑफ एमरजेंस. यस. और जब आई टू विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन इज एमरजेंस. एमरजेंस. समझा? यस. थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, मुझे मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपने ध्यान दिया सिंस लास्ट 10 मिनट्स. इफ यू आर पेइंग अटेंशन डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉट इट. ठीक है, सो अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट लेटर ऑन आई विल नॉट एक्सप्लेन. किसी को कुछ है क्या डाउट बताओ, वापस क्लियर कर देता हूँ मैं. वेरी क्लियर? एक बार रिपीट करो ना. एक बार रिपीट, एक बार रिपीट करूं? अच्छा, तुमको रिवर्सिबिलिटी समझा अच्छे से? रिवर्सिबिलिटी, लाइट की रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी. यस रिवर्सिबिलिटी. यस. काम करते स्टूडेंट, मैं क्विकली 2 मिनट में फिर से बता देता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, जिनको समझ में आ गया फिर भी रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, ये देखो बेटा, मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, मैं खाली ड्रॉ करूंगा, वो आप देखते जाओ. डायग्राम ध्यान से, विजिबिलिटी बराबर दिख रहा है पूरा अच्छे से? अभी देखो, दिख रहा है? अब देखो, सब लाइट रिवर्स हो गई, लाइट गॉट रिवर्स्ड, लाइट से जो रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी ना ऐसे, तो ऐसे, और ये एमर्जिंग रे होगा ना, एमर्जिंग रे को पीछे खींचो. सो रिवर्स वाले केस में जब लाइट रिवर्स हो गई, ये होगी एंगल ऑफ डिविएशन, और जब फर्स्ट केस है, जब लाइट फर्स्ट केस में जा रही है, अब ये है एंगल ऑफ डिविएशन. बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगी, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. अगर दोनों इक्वल है मतलब डेल्टा जो है दोनों
केस में सेम मिला ना मुझे, तो आई 30 पे जो डेल्टा मिला आई 40 पे भी वही डेल्टा मिला ना मुझे, डेल्टा रिमेन सेम फॉर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 40 डिग्री तब भी डेल्टा सेम है ना, तो दैट इज अ मीनिंग. तो फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई गॉट द सेम डेल्टा. ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं जिन पे डेल्टा क्या है सेम, एक सपोज 30 होगी तो दूसरी 40 होगी, ठीक है, क्लियर. हाँ, लेकिन इसमें एक बात, ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, जब I1 विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस उस टाइम पे I2 डेफिनेटली जितना है ना emergence. बस इसको क्लियर करो, आगे बढ़ते हैं. अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं दो पॉइंट थोड़ा इधर ले लू, नजदीक ले लू, इधर ये देखो, यहाँ पे देखो थोड़ा नजदीक ले लिया पॉइंट, ये देखो ये वाले और ये वाले, तो देखो ये जो I2 I की जो दो वैल्यूज हैं I1 I2 वो दोनों वैल्यूज थोड़ा नजदीक आ जाएंगी, है ना. Yes. और ऐसे करते करते यू रीच टू द बॉटम पॉइंट. ये जो ग्राफ की बॉटम पॉइंट है ना, सबसे नीचे वाली पॉइंट है, वहां पे पहुंचो. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पता है क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे डेल्टा बिकम मिनिमम, डिविएशन मिनिमम हो जाती है. लेकिन बॉटम पॉइंट पे पता है क्या होगा, बॉटम पॉइंट पे जब आप पहुंचेगे ना तो ये दोनों पॉइंट नजदीक आते 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 बॉटम पॉइंट पे ये दोनों एक ही बन जाएंगी. मतलब बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या डिनोट करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बॉटम मोस्ट पॉइंट डिनोट्स अ सिचुएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एमर्जेंस हैव बिकम इक्वल. सपोज एक ऐसा सिचुएशन आया कि इंसिडेंट और एमर्जेंस दोनों इक्वल है. एक बात, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमर्जेंस दोनों इक्वल है, इंसिडेंट और एमर्जेंस दोनों इक्वल है, तो आप रिवर्सिबिलिटी करोगे उससे भी कोई फायदा नहीं होगा. सपोज एंगल ऑफ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है, एंगल ऑफ एमर्जेंस भी 35 है, दोनों इक्वल है. उसमें काम करो, उसमें अगर रिवर्सिबिलिटी लगाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. रिवर्सिबिलिटी लगाने के बाद भी इंसिडेंट 35 रहेगा, एमरजेंस 35 रहेगा. तो मतलब I1 I2 दोनों इक्वल होंगे, इंसिडेंट और एमरजेंस दोनों इक्वल होंगे, उस पॉइंट पे डेल्टा मिनिमम हो जाता है. डेल्टा बिकम्स मिनिमम व्हेन I एंड E बिकम इक्वल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है. एक याद रखो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. व्हेन I is equal to E, I और E equal होते हैं ना, आप reversibility लगाओ उस situation में कुछ फायदा नहीं है. I और E दोनों equal हैं, reversibility से भी कुछ नहीं होगा. मतलब आपको I की एक ही value मिलेगी. जब I और E equal होते हैं ना, तब delta जो होता है ना वो minimum होता है. Delta वो इस graph से ही मुझे पता चलता है. ये point समझो, ये और ये point, दोनों clear है क्या, दोनों याद रख सकते हैं? हाँ. So I suggest, आपको चाहिए तो ये डायग्राम बना लो. डायग्राम आई थिंक बनाया आपने कल. इसमें ये दो पॉइंट्स ले लो और उसके बाद बॉटम पॉइंट ले लो. जस्ट टेक एनी टू पॉइंट्स एंड देन टेक अ बॉटम पॉइंट और ये दोनों लिख लो स्टेटमेंट्स. गेटिंग? लिखो ये सब जो भी लिखा है. राइट इट डाउन. सर डेफिनेशन किसका, रिवर्सिबिलिटी का ना? यस. मैं इसके बाद लिखवा देता हूँ, जस्ट फिनिश इट एंड देन. ओके. लिख ले ये दोनों पॉइंट्स. यस यस. हाँ, इसके बाद मैं आगे थोड़ा लिखवा देता हूँ. रिवर्सिबिलिटी मैं लिखवा देता हूँ. आफ्टर राइटिंग दीज टू पॉइंट्स, लुक एट द स्क्रीन. ये दोनों पॉइंट्स लिखने के बाद ग्राफ में जो भी दिख रहा है, ग्राफ में भी दो पॉइंट्स ले लो एंड बॉटम पॉइंट ले लो. ये सब करने के बाद देन यू राइट ऑन फर्दर. नाउ आगे लिखो, ऐसे लिखो, द अबव पॉइंट्स, ऐसे लिखो, लिखो, the above points can be explained. The above points can be explained using, can be explained using principle of reversibility of light. Using principle of reversibility of light. Using principle of reversibility of light. ठीक है, उसके अगले लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉमा आगे लिखो, इन एनी रे डायग्राम, इन any ray diagram,
if the path of light ray is reversed, according to this principle, comma, in any ray diagram, if the direction of light ray is reversed at any point, then the light ray follows. Then the light ray follows the original path. Then the light ray follows the original path, but in the reverse direction. Light ray follows the original path, but in the reverse direction. Got it? Samjha? Yes. This is principle of reversibility of light. और ये principle से हम लोग ये दोनों point समझ सकते हैं, ठीक है? याद रखो, ऐसे दो angle of incidence होते हैं जिसके लिए delta same होता है. लेकिन जो दो angle of incidence हैं ऐसी I1 and I2, उसमें जब I1 angle of incidence होगा तो I2 फिर angle of emergence होगा उस time पे. Clear? ठीक. चलो, I think this is very clear now with you. तो इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ student. ठीक है. I'm going ahead. See to it. ठीक है, ये देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम है. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन नाउ. ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस सी, दिस फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो फॉर प्रिज्म. अब सपोज आप ऐसा सिचुएशन लो, एक सिचुएशन लो कि सपोज सच में आई और ई इक्वल हो गए, आई और ई इक्वल है. जब आई और ई इक्वल होते हैं उसी मोमेंट पे डेल्टा जो है ना वो सबसे मिनिमम होता है. When I and E are equal, then delta is this much. Delta minimum, na? So delta minimum ko main delta m likhta hu. Minimum ko denote karte hain m se. So ye jo dono values hai na, jab I or E equal hai aur delta minimum, ye values main upper formula mein substitute kar deta hu. Either I will substitute these things in the upper formula. To ye a hai. Ha, to delta ki place pe I would put delta minimum, kyunki delta minimum ho chuka hai. I और E equal है ना, तो in place of E can I write down I ना, so it become I plus I. देखो I plus I become 2I. Yes. So 2I is equal to A plus delta M. So I is equal to A plus delta M by 2. अब आप confused हो रहे होंगे कि ये कौन सा I मिला मुझे, ये क्या है मतलब. ये देखो, ये वो angle of incidence है जब आई और ई इक्वल होते हैं. जब आई और ई इक्वल होते हैं ना, उस टाइम पे आई इतना होता है, कितना, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू. ठीक है, और एमरजेंस भी इतना ही होगा क्योंकि आई और ई दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एमरजेंस भी इतना ही होता है. ठीक है, एमरजेंस इज ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ. जब आई और ई इक्वल होते हैं ना, हम लोग वो कंडीशन ले रहे हैं कि आई एंड ई आर सपोज इक्वल टू ईच अदर. ध्यान से सुनो अभी, जब I और E इक्वल होते हैं ना, वी कैन ऑल्सो प्रूव, हम लोग कर सकते हैं कि R1 एंगल एंड R2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. कल के डायग्राम में जब आपने R1 R2 एंगल्स बनाई है, ये दोनों भी क्या होती है, इक्वल होती है. जब I और E क्या होते हैं, इक्वल. अब आपको एक डाउट आएगा कि सर ये कैसे हुआ, हाउ कैन वी प्रूव दैट R1 इज इक्वल टू R2. देखो प्रूफ है ना, आपको एग्जाम में तो नहीं लिखना है, मतलब इन एग्जाम में प्रूफ नहीं लिख के आना है, बट आपको अपने नॉलेज के लिए चाहिए कि कैसे प्रूफ करेंगे ये पॉइंट. तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे देता हूँ. ठीक है, तो प्रूफ में ऐसे एक्स्ट्रा, आई एम जस्ट प्रूविंग नाउ दैट हाउ आर वन एंड आर टू आर इक्वल व्हेन आई एंड ई आर इक्वल. स्टूडेंट आपको स्नेल्स लॉ याद है अच्छे से, स्नेल्स लॉ? यस यस. अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना स्नेल्स लॉ लगाने में? देखो ये है आपका, ये है आपका कल वाला ओरिजिनल डायग्राम. इसमें जो सराउंडिंग मीडियम है ना, सराउंडिंग जो प्रिज्म के सराउंडिंग मीडियम है, वो म्यू वन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और प्रिज्म का जो अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है. ठीक है,
म्यू टू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, म्यू वन सराउंडिंग मीडियम. अब देखो ये जो एम पॉइंट है ना, एम पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये एन पॉइंट जो है ना, एन पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. इन दोनों पॉइंट्स पर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा. इन दोनों पॉइंट्स पर आई विल अप्लाई स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो कोई आप में से बता सकता है स्नेल्स लॉ अगर एम पॉइंट पे लगाएंगे तो क्या इक्वेशन लिखोगे? बोलो स्नेल्स लॉ लगाओ एम पॉइंट पर, मतलब यहाँ पे sin आए. म्यू वन साइन आए करेक्ट है. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू वन साइन आए इज इक्वल टू म्यू टू आर वन, बराबर आर वन. अच्छा अब एक जो दूसरी पॉइंट है यहाँ पर भी देखो, एन पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. एन पॉइंट पर, एन पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊ, एन पॉइंट पर मैं ऐसे लिखूंगा म्यू टू साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई. देखो हाँ बोलो वापस, म्यू टू साइन साइन आर टू आर टू इक्वल म्यू वन साइन ई. ये देखो आपने जो बोला मैंने वही लिखा है. ठीक है, अब एक बात, हम लोग ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं कि सपोज आई और ई इक्वल हो गया है. मैंने बोला ना हम लोग वो सिचुएशन ले रहे हैं व्हेन आई एंड ई आर इक्वल. अगर आई और ई इक्वल है देन साइन आई विल बी इक्वल टू साइन ई, ये दोनों इक्वल होंगे. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया ना. देखो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आप इक्वल ले लो. राइट हैंड साइड इक्वल लोगे तो म्यू टू कैंसिल हो जाएगा. साइन आर वन विल बी इक्वल टू साइन आर टू, साइन साइन कैंसिल, क्या आएगा उससे? जब आई और ई इक्वल होते हैं ना उस मूवमेंट पे, जब आई और ई इक्वल है उस मूवमेंट पे आर वन आर टू भी दोनों इक्वल होते हैं. सो नोबडी विल आस्क यू प्रूफ ऑफ दिस. ये मैंने आपके नॉलेज के लिए कर लिया, जिनको चाहिए रहेगा आप कर भी सकते हो बाद में. ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए किया मैंने. तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. रिमेम्बर आर वन आर टू इक्वल होते हैं जब आई और ई इक्वल होते हैं. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. Anybody remembers what is R1 plus R2 then? A. R1 plus R2 is A. So यहाँ पर मैं क्या करूँगा? In place of R2, I will write down R1 only. R2 की place पे मैं R1 लिख दूँगा. ठीक है? ये देखो. So it is R1 plus R1, that is 2R1. 2R1. Equals to A. A upon 2 equals to R1. R1 would be A by 2. देखो. ये पता है R1 है. ये R1 तब होगा जब I और E इक्वल है, तभी ये R1 है. सो एक काम करो स्टूडेंट, बस ये अभी खत्म होने पे आ रहा है. नाउ वी आर अबाउट टू रीच टू द फाइनल फॉर्मूला. बस एक स्टेप में फाइनल फॉर्मूला आने वाली है, तो तब तक आप पहले ये नोट कर लो जो भी लिखा है. यू वांट यू नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा है. रोज आपके अभी कितने घंटे लेक्चर हो रहा है? 2 घंटे के 3 घंटे? एवरी टू. एक तो ये मेरा लेक्चर हो रहा है 3:30 से 4:30. इसके बाद 5 to 6 अटेंड करते हो? yes. वही बोल रहा हूँ. yes. अच्छा मतलब दोनों फिजिक्स के लेक्चर हो रहे हैं ऐसे? yes. ओके ओके. हो गया? Yes. Yes. ये प्रूफ अगर आपको चाहिए तो अपने हिसाब से लिख देना, ऐसे लिख सकते हो, साइड में लिख देना. ये बाय स्नेल्स लॉ ये दोनों पॉइंट, सिंस LHS इज इक्वल देयरफॉर RHS इज इक्वल देयरफॉर R1 इक्वल टू R2. प्रूफ अपने नॉलेज के लिए चाहिए तो लिख लेना साइड में. ठीक है, सो आई होप इट इज कंप्लीटेड नाउ. Yes. Yes. ठीक है, तो now I am going with a final expression for this equation. अगर आपको याद है मैंने कल आपको बताया था कि prism formula we want to derive. Prism formula. तो अभी prism formula आने वाली है. देखो अब मैं ये लिख रहा हूँ by Snell's law.
अब मैं फिर से एक बार स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ. देखो स्नेल्स लॉ ऐसे लिख सकते हैं, देखो म्यू वन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल म्यू टू साइन आर वन. ये स्नेल्स लॉ ही है, देख लो एक बार. बराबर है? यस. म्यू वन साइन आई. अब देखो आई की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू मैं ये पुट करूंगा, ये आई की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड की ना. Yes. वही डाली है, मतलब मैंने वो सिचुएशन लिया है कि जब आई और इक्वल है, वो सिचुएशन लिया मैंने. इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन. जब आई और इक्वल होते हैं तब आर वन की वैल्यू इतनी है ना. Yes. अभी हमने फाइंड किया ना जस्ट, तो वही डाल दिया zero. अब इसमें मैंने जैसे बताया म्यू वन क्या है, म्यू वन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है ना. तो सपोज सराउंडिंग मीडियम एयर है, क्योंकि प्रिज्म के आसपास एयर ही होता है ना यूजुअली. तो म्यू वन को हम लोग वन ले लेंगे, लेट्स म्यू वन वन है. म्यू वन वन क्यों लेंगे, क्योंकि एयर के है ये. वी विल अज्यूम दैट प्रिज्म इज सराउंडेड बाय एयर, तो एयर का जो म्यू है वो तो वन लेंगे ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन लेंगे. तो म्यू वन वन कर दो, सिर्फ क्या बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू इक्वल्स टू. राइट हैंड साइड पे देखो म्यू टू है ना. अब देखो म्यू वन को हमने वन पुट कर दिया, अब म्यू है ही नहीं, वो तो वन हो गया. म्यू वन नहीं है तो फिर म्यू टू भी नहीं लिखने का, उसको सिर्फ म्यू लिखेंगे. म्यू टू को मैं सिर्फ म्यू लिख देता हूँ, ओनली म्यू, ओनली म्यू जो लिखा है मतलब वो म्यू टू है एक्चुअली. और ये साइन ए बाय टू है ना, साइन ए बाय टू को मैं दूसरे साइड पास कर दूंगा. आई विल पास दिस साइन ए बाय टू ऑन द अदर साइड, साइन ए बाय टू. सी देखो ये फॉर्मूला बनेगी, दिख रहा है दिस फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द म्यू ऑफ द प्रिज्म ना. ये प्रिज्म का ही म्यू है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू. इसमें ए एंगल क्या है वो आपको मालूम है, ए इज अ रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम इज अ मिनिमम डिविएशन एंगल, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन. ये फॉर्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज करना है, विल टेल यू लेटर, आगे चल हम लोग देखेंगे इसका क्या काम है. बट दिस फॉर्मूला इज ओनली नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला, इसी को प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं. वेरी मच क्लियर, कैसे रीच हुआ यहाँ पे? Yes. काफी लंबा डेरिवेशन था, आई नो 5 मार्क्स के लिए आता है यूजुअली, 4 टू 5 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है. यहाँ तक रीच करो, कंप्लीट दिस. ओके या गॉट दिस. अब देखो थ्रू आउट द लेक्चर आपको ये फॉर्मूला अभी आज के लेक्चर के लिए एटलीस्ट याद रखो. थ्रू आउट द लेक्चर अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि टेल मी द प्रिज्म फॉर्मूला, यू हैव टू टेल मी दिस फॉर्मूला, तो थोड़ा याद रखो इस फॉर्मूला को. एक बार बताओ, ऐसे भी कर सकते हो, यू क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिमेम्बर, एक बार रिकॉल करो क्या फॉर्मूला है बाय क्लोजिंग योर आईज. इज इट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू. इसको आंखें बंद करके एक बार थोड़ा बोल के देखो, आपको बोलने आ रहा है क्या, बोल रहे हो मतलब आपके माइंड में आ गया वो. हाँ कंप्लीटेड? Yes. तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताया आपको, अगर आप अटेंटिव हैं तो आपने पूरा समझ लिया होगा कैसे हम लोग पहुंचे. सो दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला. अब आप में से कुछ लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला का क्या रोल है, क्यों हम लोग इस फॉर्मूला पे पहुंचे हैं. हम तो सर डिस्पर्शन डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द डिस्पर्शन. ये क्या है अभी, क्या हम लोग इतना सब कॉम्प्लिकेटेड किया और ये मिला है, क्या यूज है इसका. डोंट वरी, आई थिंक आज के लेक्चर के एंड तक ही आप समझ जाओगे कि हमने ये सब क्यों किया. लेट्स होप सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू मे बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो आई होप इट्स वेरी क्लियर. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट. सी अब देखो यहाँ पे हम लोग ये प्रिज्म फॉर्मूला बना दिए, दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला. तो आप कोई भी एक प्रिज्म लेके आओ, यू टेक एनी प्रिज्म, फॉर एनी प्रिज्म वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कोई भी प्रिज्म पे लगा सकते हैं.
अब प्रिज्म्स में भी क्या होता है, अलग अलग वैरायटी होती है, देयर आर लॉट ऑफ प्रिज्म्स अवेलेबल. प्रिज्म्स में भी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रिज्म्स होते हैं जिनको बोला जाता है थिन प्रिज्म्स. प्रिज्म्स में भी एक टाइप के प्रिज्म्स होते हैं विच आर नोन एज थिन प्रिज्म्स. ओके, अब थिन प्रिज्म्स क्या होते हैं, अगर सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करें मतलब बहुत ही पतला प्रिज्म होगा ये. थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ. लुक एट इट, अब आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल प्रिज्म ही दिख रहा है ना. यस yes. ये नॉर्मल प्रिज्म ही है, ये नॉर्मल ही है, मैंने अभी तक थिन बनाया नहीं है, ये नॉर्मल प्रिज्म है, इट्स लाइक अ नॉर्मल प्रिज्म. अब थिन प्रिज्म कैसा होता है देखो, मैं अभी यहां बना रहा हूँ थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म ऐसा होता है, दिख रहा है? यस यस. अब थिन प्रिज्म में दोनों में फर्क क्या है मेनली, ये थोड़ा दुबला पतला है थिन प्रिज्म, इसमें फर्क क्या है दोनों में, अगर मैं मतलब प्रॉपरली अगर मैं डिफरेंस बताऊं एकदम सिस्टमेटिकली मैं कुछ डिफरेंस बताऊं, तो डिफरेंस ये है कि इसका जो ए एंगल है ना, इस ए एंगल इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. ए एंगल स्मॉल है क्या थिन प्रिज्म्स में? यस यस. कैन आई से द प्रिज्म्स इन व्हिच द ए एंगल इज स्मॉल यूजुअली दे आर थिन प्रिज्म्स ना, ठीक है? यस. अब इसमें अब फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज अ वेरी सिस्टमेटिक सब्जेक्ट, मतलब हम लोग हर चीज बराबर डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड. तो ये ए एंगल कितना होना चाहिए जब इसको थिन प्रिज्म बोलेंगे वो भी फिक्स्ड है, कितनी एंगल पे इसको थिन बोलेंगे वो भी फिक्स्ड है. जब ये ए एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है ना, व्हेन दिस ए एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, तभी उसको स्मॉल एंगल बोला जाता है. फिजिक्स में स्मॉल एंगल तभी बोला जाता है जब लेस देन 10 डिग्री होती है, ठीक है? अगर कोई एंगल 10 डिग्री से लेस है तभी उसको स्मॉल कहा जाता है, अदरवाइज नहीं. तो ये एंगल जो है ना लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, देन ओनली इट इज अ थिन प्रिज्म्स. तो अब ऐसे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, थिन प्रिज्म्स आर द प्रिज्म्स इन विच एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्री, दैट इज ए एंगल इज स्मॉल. चाहे तो ये लिख लो भले अपने नोटबुक में, थिन प्रिज्म्स आर द प्रिज्म्स इन विच ए एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, दैट इज ए एंगल इज स्मॉल. ठीक है, लिख दिया. रिटर्न, ठीक है, क्लियर रिटर्न? यस. अब देखो जो थिन प्रिज्म्स है ना, जो थिन प्रिज्म्स है, थिन प्रिज्म्स पे भी मैं प्रिज्म फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ, मतलब थिन प्रिज्म्स आल्सो फॉलो प्रिज्म फॉर्मूला. थिन प्रिज्म भी नॉर्मल प्रिज्म जैसे होते हैं उनके लिए भी ये फॉर्मूला लग सकती है, दैट म्यू इज गिवन बाय साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू. ये ना प्रिज्म फॉर्मूला. सो दिस फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग फॉर थिन प्रिज्म्स, ठीक है? अब देखो थिन प्रिज्म्स में मैंने जैसे बताया कि ए एंगल स्मॉल होती है, इधर मैं लिख रहा हूँ थिन प्रिज्म्स के लिए, मैं आपको बताया ए एंगल स्मॉल होती है. तो इधर देखो यहाँ पे ए बाय टू है ना ये एंगल, क्या लगता है ए बाय टू भी स्मॉल ही होगी कि नहीं? ए बाय टू, यस ए बाय टू भी स्मॉल होगी. और यहाँ पर आप देखो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू है, तो यहाँ पे ए है नो डाउट, उसमें डेल्टा मिनिमम ऐड कर रहे हो, कोई डेल्टा मैक्सिमम नहीं ऐड कर रहे, मिनिमम डेल्टा ऐड कर रहे हैं. मिनिमम डेल्टा भी छोटा ही होता है, काफी छोटा होता है प्रिज्म्स में. तो ये ऐसे में अज्यूम कर सकता हूँ कि सिंस ए एंगल इज स्मॉल, डेल्टा एम इज द डेल्टा मिनिमम, इट इज ऑल्सो स्मॉल, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू किया, देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल भी स्मॉल होगा, ऐसे में अज्यूम कर सकता हूँ. तो थिन प्रिज्म्स के लिए क्या होता है, फॉर थिन प्रिज्म्स ए बाय टू जो ये एंगल है और ये जो दूसरा एंगल है ए प्लस डेल्टा एम बाय टू, ये दोनों एंगल्स भी स्मॉल होती है, ठीक है? अब देखो ये इतना हम लोग स्मॉल एंगल पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा. आपको याद है मैंने आपको एक बार बताया था पहले कि जो स्मॉल एंगल्स होती है ना उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर स्मॉल एंगल वी आर हैविंग वन प्रॉपर्टी दैट साइन ऑफ स्मॉल एंगल, साइन ऑफ थीटा is nearly same as theta in the radians. कुछ याद है ऐसा? Yes. Yes, yes. बताइए ये पहले, याद करो. Yes. Yes. मैंने बताया था ये, मैंने ऐसा बताया था कि sin theta is same as tan theta. Tan theta. Same as theta in the radians. मैंने कहा था cos नहीं आता है, sin और tan आता है. Yes. ये कुछ ही दिन पहले जब हमने वो डिस्कस किया था, refraction at a single surface. Single surface. उस टाइम पे ये यूज किया था, याद करो. Refraction at a single surface.
तब किया था ये, याद है? तो ये प्रॉपर्टी है कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ दैट एंगल इज सेम एज एंगल इन द रेडियंस. तो ये बात है, ये a प्लस डेल्टा m बाई टू ये स्मॉल एंगल है. तो यहाँ पे है ना साइन ऑफ दिस स्मॉल एंगल ना, तो साइन ऑफ दिस स्मॉल एंगल मतलब ये जो है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई टू, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज a प्लस डेल्टा m बाई टू इन द रेडियंस ना. यस यस ठीक है. तो ये जो पॉइंट है और साइन ऑफ a बाय टू जो है, साइन ऑफ a बाय टू इज ऑल्सो स्मॉल एंगल. साइन ऑफ a बाय टू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a बाय टू इन द रेडियंस. ये दोनों वैल्यूज जो है ना स्टूडेंट, मैं इस फॉर्मूला में डाल दूंगा. आई विल पुट इन दिस फॉर्मूला. तो बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगी. आई विल गेट म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाय टू की प्लेस पे आई विल राइट ऑन जस्ट दिस वन a प्लस डेल्टा m बाय टू रेडियंस. तो ऐसा आएगा a प्लस डेल्टा m बाय टू रेडियंस डिवाइडेड बाय साइन a बाय टू है, दिख रहा है? साइन a बाय टू की जगह हम लोग ये लिखेंगे a बाय टू इन द रेडियंस. ठीक है, समझाइए. कुछ स्टूडेंट है ना जिनका मतलब जो अटेंशन नहीं होता है, जिनका ध्यान नहीं देते, ऐसे खाली सुनते हैं, मतलब मेंटली एब्सेंट होते हैं जो, वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि शायद सर ने ये साइन साइन कैंसिल कर दिया, साइन साइन कट किया और ये आ गया. ऐसा है क्या? नो नो, ऐसा कभी साइन साइन कट नहीं होता है. इफ यू आर कटिंग दिस साइन साइन, इट्स अ वेरी बिग सिन, मैथमेटिकल सिन है ये. सिन मतलब पाप कर रहे हो. अगर आपने ये साइन साइन कट कर दिया तो इट्स अ वेरी मच सिन. नेवर कट सिन सिन. ठीक है, कट नहीं किया है. लॉजिक समझा क्या कैसे किया? yes. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये 2-2 विल गेट कैंसिल, 2-2 विल गेट कैंसिल. तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, व्हाट यू विल गेट, आपको ये मिलेगा म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय ए, इजंट इट? यस यस. हाँ, अभी a को इधर शिफ्ट करता हूँ, आई विल गेट म्यू ए इज इक्वल ए प्लस डेल्टा एम. सो डेल्टा एम विल बी म्यू ए माइनस ए. देखते जाओ, बहुत सिंपल है. a को इधर शिफ्ट किया ना, हेयर a इज कॉमन, a इन द ब्रैकेट म्यू माइनस वन. ये मिनिमम डिविएशन कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है. डिविएशन कैलकुलेट करने की पहली फॉर्मूला बनी है जिससे आप डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन ये मिनिमम ये थिन प्रिजम्स के लिए फॉर्मूला वैलिड है, नो डाउट इट्स वैलिड फॉर थिन प्रिजम्स. लेकिन ठीक है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो बनी. ठीक है, आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा ये सब क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में प्लीज पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस. सर ये सब रेडियन में है ना? हाँ, ये ए एंगल रेडियन में है, डेल्टा एंगल भी रेडियन में है. ठीक है, एक बात सपोज, सुनो अभी जिसने डाउट पूछा सुनो ध्यान से, ये ए एंगल भी रेडियन में है, डेल्टा एम भी रेडियन में, ऐसे मान लेते हैं कि बराबर है, ए रेडियन में है, डेल्टा एम भी रेडियन में. एक बात अगर दोनों साइड मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूं, बोथ साइड्स इफ आई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, तो पता है क्या होता है, किसी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. डिग्री तो दोनों डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगी. ये डेल्टा जो है डिग्री में आ जाएगा और ए भी डिग्री में आ जाएगा. तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला तो हमने रेडियन में डिराइव किया, लेकिन क्योंकि दोनों साइड एंगल है, आरएचएस एलएचएस दोनों पे एंगल है, तो दोनों साइड का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. ये दोनों डिग्री में भी चलेंगी, डिग्री में डालो या रेडियन में डालो, दोनों में चलेंगी. ठीक है, अगर ये देखो एंगल, अगर एंगल खाली एक ही साइड होता ना, लेट्स से राइट हैंड साइड पे एंगल है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल नहीं है, ऐसा होता तो फिर नहीं चलता, फिर रेडियन का रेडियन में रखना पड़ता. लेकिन क्योंकि दोनों साइड एंगल है तो चलता है, दोनों साइड डिग्री में डालो या दोनों साइड रेडियन में डालो, चलता है. ठीक है, अगर एक ही साइड होता तो प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो एक ही साइड एंगल नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो एवरीबॉडी क्लियर, यहां तक नोट कर लो पहले. स्टूडेंट ये पेज नोट किया आपने, पहला वाला? No. नहीं, आई थिंक नहीं किया. No, चलो नोट कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम, डोंट वरी, टाइम दे रहा हूं मैं, नोट करो आराम से. हाँ,
भूषण आहिरे माइक ऑन करो भूषण आहिरे भूषण स्क्रीन और वॉइस क्लियर है पूरा ठीक है तो एक बार बताओ अभी मैंने जो बताया सब सुना ना आपने अच्छे से ठीक है तो एक काम करो व्हाट डू यू मीन बाय थिन प्रिज्म बताओ थिन प्रिज्म क्या होता है मतलब थिन प्रिज्म वेयर ए इज लेस देन 10 डिग्री व्हाट इज द नेम ऑफ ए एंगल का कुछ नाम है क्या अपेरेंट ए मतलब अपेरेंट अच्छा आर मतलब रियल होगा फिर तो है ना ए का नेम अपेरेंट है अच्छा ठीक है अच्छा ये डायग्राम में डेल्टा एम दिख रहा है डेल्टा एम मतलब क्या व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एम व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिमम इधर ये डेल्टा एम बोलते हैं इसको डेल्टा मिनिमम हां डेल्टा मिनिमम डेल्टा मतलब कौन सी एंगल डेल्टा का नेम क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा डेल्टा इज एंगल ऑफ व्हाट एंगल ऑफ भूषण आ रहे शांत हो गया नहीं बता पा रहा बेचारा है ना भूषण नहीं आ रहा ठीक स्टूडेंट ये पेज हो गया पूरा यस यस तो ये पेज नेक्स्ट है पूरा कंप्लीट कर लो ठीक है तो भूषण आ रहे इज नॉट एबल टू आंसर हाँ क्रिस्टन माइक ऑन करो क्रिस्टन हाँ सर ठीक है स्क्रीन और वॉइस क्लियर है एकदम दिख रहा है सब हाँ हाँ टेल मी ये ध्यान से देखो ये जो है ना ये सिंबल देखो ध्यान से व्हाट इज दिस इसका नेम क्या है मतलब इसको क्या बोलेंगे म्यू हाँ मत ठीक है वो म्यू तो है मतलब इसका फुल नेम क्या है म्यू डिनोट्स व्हाट रिफ्रैक्टिव ऑफ प्रिज्म का वो प्रिज्म का क्या रिफ्रैक्ट वो म्यू प्रिज्म म्यू प्रिज्म म्यू ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना चाहते हो ठीक है एक काम करो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेल्टा एम ये जो ना डेल्टा एम ये क्या है डेल्टा एम मतलब ये क्या है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ए ए का नेम बताए वो एंगल ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म आर वन प्लस आर टू अच्छा ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है ठीक है अच्छा एक काम करो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय थिन प्रिज्म किसको बोलते हैं व्हेन यू कॉल द प्रिज्म एज अ थिन प्रिज्म व्हेन इट्स ए इज व्हेन द एंगल ऑफ ए इज लेस देन 10 डिग्री ठीक है ओके गुड क्लोज योर माइक सर कैन यू शो प्रीवियस पेज दैट हां सर थैंक्स फॉर इट ओके एवरीबॉडी कंप्लीटेड सबने हो गया बाकी लोग का यस यस सो देखो फाइनल फॉर्मूला जो मिली है ना ध्यान से फाइनल फॉर्मूला को देखो डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इन द ब्रैकेट म्यू माइनस वन ये फॉर्मूला मिली है ये फॉर्मूला को क्या यूज कैसे यूज करना है आई विल टेल यू डोंट वरी बट ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म्स के लिए है क्या कि नहीं यस यस फॉर्मूला तभी बनी जब हमने थिन प्रिज्म्स को लिया कंसिडर किया क्योंकि ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया यहाँ पर ये वाले ये थिन प्रिज्म्स के लिए वैलिड है ठीक है हाँ चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट अब आपको एक नेचुरली डाउट आ रहा होगा कि ये क्या मीनिंग है ठीक है सबसे पहले एक बात बता दूं आपका जो टेक्स्ट बुक है ना मैंने टेक्स्ट बुक को कल चेक किया टेक्स्ट बुक ने ये जो म्यू है ना म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक ने स्टार्टिंग में म्यू सिंबल यूज किया है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन प्रिज्म वाला जो टॉपिक चल रहा है प्रिज्म में म्यू की जगह एन सिंबल यूज किया है तो आप भी इन प्लेस ऑफ म्यू दे हैव यूज्ड अ सिंबल ऑफ एन कई जगह पे म्यू यूज भी किया है स्पेशली जो मिरर और लेंसेस वाला टॉपिक था ना मिरर एंड लेंसेस उसमें म्यू यूज किया है प्रिज्म में आने के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया फिर एन यूज किया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा एक सजेशन होता है कि एक ही सिंबल यूज करनी चाहिए ना बार बार बदलोगे तो कंफ्यूजन होता है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मैं म्यू लिखा कोई रॉन्ग नहीं देगा राइट है
म्यू की जगह एन भी लिखा है, कहीं कहीं पे एन भी लिखा हो सकता है, ठीक है. एन डिनोट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो चलो आई होप ये क्लियर है. अभी अब इस फॉर्मूला का क्या यूज है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है. तो अगर मैं एक थिन प्रिज्म ले लूं, देखो यहाँ पे थिन प्रिज्म से अगर मैं व्हाइट लाइट पास करूं, ठीक है, व्हाइट लाइट में पास करूं, अब हम लोग व्हाइट लाइट पे आ रहे हैं. तो एक बात, इवन दो ये थिन प्रिज्म है, ये थिन प्रिज्म है, लेकिन है तो प्रिज्म ही ना, तो ये भी व्हाइट लाइट को स्प्लिट करेगा ना सेवन कलर. थिन प्रिज्म भी स्प्लिट करता है ऐसे. देखो ये देखो सेवन कलर में स्प्लिट हो गया. आप में से किसी को मालूम है कि सबसे नीचे वाला कलर कौन सा होता है? वायलेट. वायलेट सबसे नीचे होता है, वायलेट कलर. वायलेट हाँ, यू मे नॉट बी नोइंग द रीजन. रीजन तो आपको मालूम नहीं है, वो अभी आपको पता चलेगा रीजन. लेकिन वायलेट सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर होता है रेड. रेड 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 इज अपवर्ड. तो एक मां बताओ, इसमें ये जो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट में ये सेवन कलर्स प्रेजेंट थे. मतलब ये वायलेट रेड जो भी है वो सबसे पहले इस व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट थे. सो ये जो ओरिजिनल पाथ है, द ओरिजिनल पाथ इन विच द वायलेट लाइट रेड लाइट वॉज गोइंग, देखो ये ओरिजिनल पाथ ही है. दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ ऑल कलर्स. ऐसे जा रहे थे ना सब, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होके ये रेज अभी इधर जा रहे हैं. रेड इधर जा रहा है, वायलेट इधर जा रहा है. तो थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना. कैन यू गेस ये क्या, ये एंगल को क्या नाम देना चाहिए? ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ, हाँ बोलो बोलो. एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डेविएशन. इज इट एंगल ऑफ डेविएशन? क्योंकि देखो लाइट कर रहे ऐसे जा रहे थे, यहां से वो बेंड हो गया, ऐसे हो गए. यस. सो ये एंगल ऑफ डेविएशन है. बट इज इट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर लाइट? यस एक्चुअली. यस. इसको मैं डेल्टा आर लिख देता हूँ. डेल्टा आर मतलब डेविएशन फॉर रेड. अच्छा अभी ये देखो, ये वाली, ये क्या पता है? फॉर वायलेट. फॉर वायलेट डेल्टा वी. फॉर वायलेट. तो किसके लिए डेविएशन ज्यादा हो रहा है? हु इज डेविएटिंग? वायलेट. वायलेट. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा फॉर वायलेट इट्स ग्रेटर देन डेल्टा फॉर रेड? डेल्टा फॉर रेड. यस यस. दिस इज अ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट. ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है ये चीज. जब भी आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करोगे विद अ प्रिज्म तो ये चीज आपको मिल जाएगी. अब देखो, क्योंकि डेल्टा ऑफ वायलेट इज मोर देन डेल्टा ऑफ रेड, तो मिनिमम में भी ऐसा होता है. डेल्टा वॉलेट ऑफ द मिनिमम इज मोर देन डेल्टा वॉलेट डेल्टा मिनिमम फॉर रेड. मिनिमम में भी वही होता है. मिनिमम वाले केस में भी डेल्टा वॉलेट का ही ज्यादा होगा. अब देखो डेल्टा मिनिमम की क्या फॉर्मूला है? डेल्टा मिनिमम की फॉर्मूला है ए एन माइनस वन या ए म्यू माइनस वन, राइट? सो ये देखो, डेल्टा फॉर वॉलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर रेड. दिस आई कैन नोट डाउन. फिर डेल्टा वॉलेट की जगह मैं ये लिखूंगा ए म्यू माइनस वन. ग्रेटर देन की साइन. डेल्टा की जगह भी मैं ये लिखूंगा ए म्यू माइनस वन, बिकॉज वी ऑलरेडी प्रूवन दैट डेल्टा कैन बी रिटन एज ए म्यू माइनस वन. अब बताओ, ये वॉलेट लाइट के लिए लिखा है और ये मैंने रेड के लिए लिखा है. अब वॉलेट हो या रेड हो, ए एंगल तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना. यस. इज इट ए एंगल विल बी सेम फॉर बोथ कलर्स ना? यस. यस हो जाएगा दोनों साइड से. कैंसिल. ए कैंसिल. माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. माइनस वन कैंसिल. तो खाली आपके पास ये बचेगा म्यू ग्रेटर देन म्यू. तो ये काफी अजीब रिजल्ट आ रहा है. म्यू ग्रेटर देन म्यू आ रहा है. एक्चुअली में क्या आना चाहिए? म्यू इक्वल्स टू म्यू होता है. Yes. ये क्या आ रहा है? म्यू ग्रेटर देन म्यू. तो जब ये रिजल्ट आया ना तो साइंटिस्ट समझ गए दिस वॉज एवरीथिंग वॉज डन बाय न्यूटन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब न्यूटन का कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो न्यूटन समझ गए कि ये पता है क्या है. उन्होंने बोला कि शायद वॉलेट लाइट के लिए refractive index of prism, this is refractive index of prism for violet light, it is different, and refractive index of the prism for red light is different. अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए refractive index क्या होता है? अलग अलग. मतलब आपने 10th standard तक ऐसा सुना है refractive index of any medium. Refractive index of medium is 1.5, refractive index of the medium is 4/3. लेकिन in reality क्या होता है? Reality में refractive index जो है ना किसी भी medium का, वो कलर पे भी डिपेंड करता है. अलग अलग कलर्स के लिए, वायलेट के लिए और रेड के लिए, अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग अलग होती है. दिस इज अ रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला. इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट ये मैं डायरेक्टली मैंने आपको नहीं बताया, मैंने प्रूफ करके दे दिया. प्रूफ क्या आ रहा है? प्रूफ से ये पता चल रहा है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म और इनफैक्ट एनी मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. वायलेट लाइट के लिए जो म्यू होगा
रेड लाइट के लिए वो म्यू नहीं होगा, रेड लाइट के लिए म्यू की वैल्यू अलग होगी. इज इट यही आ रहा है ना इसमें से रिजल्ट? यस. तो फिलहाल अभी नोट कर लो, आगे आपको और समझाऊंगा मैं. फिलहाल अभी पहले नोट कर लो, मतलब डायग्राम चाहिए तो आप अपने हिसाब से बना लो. डायग्राम भी जरूरी है बनाना. डायग्राम यू ड्रॉ, ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम डायग्राम वी कैन गेट दिस डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर. और फिर ये लिख लो प्लीज, नोट इट डाउन. अब देखो आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर जो था ना रे ऑप्टिक्स का, सबसे फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रे ऑप्टिक्स, उसमें आपको बताया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैंने आपको बताया था कि जो वायलेट कलर की लाइट होती है या रेड कलर की लाइट है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. उसमें आपको वेवलेंथ भी शायद बताई थी, वायलेट की वेवलेंथ और रेड की. थोड़ा याद करके बता सकते हो कितनी थी रेड की वेवलेंथ और वायलेट की? डू यू रिमेम्बर? वायलेट 400 नैनोमीटर. नहीं याद है तो सपोज, अगर किसी को याद नहीं है वायलेट की वेवलेंथ और रेड की, तो आप नोटबुक ओपन करके फर्स्ट पेज निकालो इस चैप्टर का, उसमें आपने लिखा होगा आई एम श्योर. हाँ बोलो, जिनको याद है बोलो. 400 मतलब है तो दोनों वेव्स ही, वॉयलेट और रेड दोनों एक ही चीज है, दोनों वेव्स है, लेकिन दोनों की वेवलेंथ में फर्क है. तो वेवलेंथ की फर्क की वजह से देखो दोनों के म्यू में भी डिफरेंस आ रहा है. म्यू फॉर वॉयलेट इज डिफरेंट देन म्यू फॉर रेड. तो कहने से जो म्यू है, म्यू इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. म्यू जो है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग हो जाती है ना. ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि जो म्यू है ना वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है. मतलब वायलेट और रेड में डिफरेंस क्या है, वायलेट की वेवलेंथ अलग है और रेड की वेवलेंथ अलग है, तो उससे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में फर्क आ जाता है. तो कहने से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड ना. यस. अगर तुम वायलेट लाइट को छोड़ के रेड लाइट पास करोगे, इफ सपोज यू स्विच फ्रॉम वायलेट टू रेड, तो बेसिकली वेवलेंथ बदल जाएगा. वेवलेंथ 400 नैनोमीटर में से 700 नैनोमीटर हो जाएगा, और जैसे ही वेवलेंथ बदल दोगे म्यू का वैल्यू बदल जाएगा. मतलब म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेवलेंथ. गॉट दिस पॉइंट? कल मैं और इसको बताऊंगा एग्जैक्टली, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे. प्रिज्म चल रहा है अभी, हमारा डिस्पर्शन टॉपिक चल रहा है, बट आज जितना बताया उसको क्लियर करके लो प्लीज. So, एक स्टेटमेंट लिखो प्लीज, राइट ऑन वन स्टेटमेंट दैट फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म depends on the wavelength of the light used. Refractive index of the prism depends on the wavelength of light used. ठीक है, clear? अब इससे आगे करने का मतलब नहीं, अभी complete नहीं होगा, आगे अगर हम जाएंगे हम लोग यहीं पे stop करेंगे. पर आई होप जो आज बताया वो क्लियर था. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अभी लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट. एक्चुअली मैं, अगर आप लोग क्लासरूम में हम लोग होते हैं तो मैं तो आपको ये एक बार लिखने के लिए बोल